अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिन्हें लोग मनहूस या कर्ज समझते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें सच में मनहूस हों, बल्कि मैं आपको इनसे जुड़ी अजीब कहानियां बताऊंगी, और हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ताला को ही मालूम है। द लॉन्ड्री कंजरिंग ड्रम। ये एक ढोल है जो एक लॉन्ड्री फैमिली के पास था। ये फैमिली अमेरिका में रहती थी और काला जादू करने में माहिर थी। ये लोग वुडू नामी काला जादू करते थे। ये फैमिली इस ड्रम को बजा बजा कर शैतानों को अपने पास बुलाती थी। कहते हैं कि इस ढोल पर शयातीन ने कब्ज़ा कर लिया था और ये ढोल खुद ब खुद बजना शुरू हो जाता था। लॉन्ड्री फैमिली ने इस ड्रम को एक बॉक्स में बंद करके रख दिया और आज ये ढोल एक म्यूज़ियम में मौजूद है और लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं, और आज भी इसे मनहूस समझा जाता है। एना बेकर्स वेडिंग ड्रेस। 1849 में अमेरिका के शहर एल्टोना में एलिस नामी एक शख्स रहता था। यह आदमी काफ़ी अमीर था। इसकी बेटी का नाम एना बेकर्स था। एना एक आदमी से शादी करना चाहती थी। यह आदमी लोहा बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एना का बाप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था और उसने एना को सख्ती से इस शादी से मना कर दिया। एना के बाप ने अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके उस शख्स को इस शहर से भी निकाल दिया। इस बात पर एना अपने बाप से बहुत नाराज़ थी, और उसके बाद एना ने कभी शादी नहीं की, बल्कि अपने आप को सारी ज़िंदगी के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। एना की मौत उसी कमरे में हुई। 1914 में एना के पास एक ड्रेस था जो इसने अपनी शादी के लिए बनवाया था। लोग कहते हैं कि एना की मौत के बाद जो भी इस ड्रेस को पहनने की कोशिश करता था, इसके साथ कुछ बुरा ज़रूर होता था। उसके बाद इस ड्रेस को एक मिरर बॉक्स में बंद करके एक म्यूज़ियम में रख दिया गया, और लोगों के मुताबिक उन्होंने इस ड्रेस को हिलते हुए भी देखा है, और आज भी इस ड्रेस को मनहूस समझा जाता है।